हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी ने करवा चौथ बहुत अच्छी तरीके से मनाया होगा। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, पूरा दिन कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग का दिन कैसा बीता। थोड़ा थोड़ा सा प्यास लग रही थी, थोड़ी थोड़ी सी, पर ज़्यादा कुछ नहीं। बहुत अच्छा था और बहुत मजा आई, हम लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया। अब मैं अपनी करवा चौथ का वीडियो आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कैसा लगा मेरा वीडियो ये कमेंट में बताइएगा। ओके, मुझे दान से प्रसन्न किया जाता है। धाम चैत्र मास की चतुर्थी में लिख दिया गया है, परंतु विशेषता यह कि इसमें गेहूं का करवा भर कर पूजन किया जाता है और अविवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीपर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय के अर्ध देकर व्रत खोला जाता है। तथा एक साहूकार के सात बेटे थे और एक बेटी थी, जेठानी सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन की भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, उसके निकलने पर अर्ध देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने एक काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और चलनी लेकर उसे प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन ग्रहण करो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ दे लो, परंतु वे कांड को जानती थी इसलिए उनकी बहन अभी वो बोली कि नहीं, अभी चांद नहीं निकला है, तेरे भाई ने धोखे करते हुए अग्नि का प्रकाश चलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया और भाइयों द्वारा दिखाए गए प्रकाश को ही अर्घ देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। उसके बाद उनका पति सख्त बीमार हो गया और कुछ जो घर में था उसकी बीमारी में लग गया। सब उसको अपने किए हुए दोषों का पता चला तो उसका पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत प्रारंभ किया। श्रद्धानुसार सबका आदर करते हुए सबने आशीर्वाद ग्रहण करने मन में लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उससे प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य कर्म के पश्चात धन संपत्ति से युक्त किया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति भाव से चतुर्थी का व्रत करते हैं वो सभी प्रकार के शुभों को भोगते हुए कलुषों से मुक्त हो जाते हैं।